रबी सीजन की बोनी का समय आते ही जिले में खाद संकट गहराने लगा है। हालात ये हैं कि अभी से खाद वितरण केंद्रों पर हंगामा शुरू हो गया। सोमवार को छतरपुर जिला मुख्यालय के जवाहर रोड स्थित खाद वितरण केंद्र पर अधिकारियों के देर से आने की बात से नाराज होकर किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बाद में जब अधिकारी पहुंचे और खाद वितरण शुरू हुआ तो टोकन वितरण के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें एक किसान घायल हो गया। घायल किसान नाराज होकर सड़क पर जाकर लेट गया। इसी बीच तहसीलदार का वाहन निकला और उन्होंने किसान को समझाइश देकर इलाज के लिए भेजा। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरण किया जा रहा है। नहीं मिल रहा होता, नहीं मिल रहा जो का पैसा नंबर लगा दी, पाजी टोकन दे दी, टोकन के बाद क्या टोकन से ही मिल ले, पेमेंट से मिल ले, अंधा ही अंधा जा, उन्हें की पेमेंट कटे, वो कोई जनता किसान में लेंगे जाओ ऐसा भी, ये वजन ले बारा अब लो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, ना मिल भी कुछ कानों का मिला या मिलता ही नहीं है। खाद के लिए अभी यहाँ काफी भीड़ ज्यादा है, रोड तक लोग खड़े हुए हैं खाद लेने के लिए, क्योंकि सचरी जगह है, स्पेस कम है, इसलिए इनको लाइन अप किया जा रहा है। महिलाओं को लाइन अप करवाई जा रही है और पुरुषों की लाइन अलग हो रही है। टोकन सिस्टम करवा दिया गया, व्यवस्थित कर, आपस में विवाद नहीं हुआ है, धक्का मुक्की में उस पैर में कुछ चीजें लग गई है, उसके बाद बहुत बड़ा इसकी बात नहीं।